चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर, और डिप्टी मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन को पहली हार मिली। बीजेपी के प्रत्याशी कुलजीत संधु 3 वोट से सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव जीते। उन्होंने 19 और आप कांग्रेस कैंडिडेट गुरप्रीत सिंह गावी को 16 वोट मिले, जबकि गठबंधन का 1 वोट इनवैलिड हो गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई। सीनियर डिप्टी मेयर के लिए कुल सभी पार्षद और सांसद किरण खेर ने वोट डाला। इस दौरान करीब 11:30 बजे तक वोटिंग चलती रही। मेयर ने चुनावी प्रक्रिया को अंजाम दिया। इस दौरान भाजपा के कुलजीत सिंह संधु को कुल 19 वोट मिले, और वहीं कांग्रेस के गुरप्रीत सिंह गावी को 16 वोट पड़े। शिरोमणि अकाली दल के पार्षद हरदीप सिंह ने भाजपा को वोट किया। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी 3 वोट से चुनाव जीत गए। 1 वोट अमान्य करार कर दिया गया। इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद दोनों पक्षों में हंगामा भी देखने को मिला। बता दें कि मेयर चुनाव में बवाल और धोखाधड़ी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया था। प्रिजाइडिंग अफसर को कोर्ट ने जमकर लताड़ लगाई थी। उसके बाद अब डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। हालांकि बीते कुछ दिन पहले आम आदमी के पार्षद 3 भाजपा में शामिल हो गए। इन तीनों ने आम भाजपा को वोट डाला है, और इसी कारण भाजपा की जीत हुई है। पहले कांग्रेस और आप के पास 20 पार्षद थे, लेकिन 3 के भाजपा में जाने से इनके पार्षदों की संख्या महज 17 रह गई थी। वहीं भाजपा को अकाली किरण खेर सहित कुल 19 वोट मिले हैं।